इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अब दोनों ही टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी, लेकिन दूसरे मैच से पहले दोनों ही टीम को झटके लगे हैं। भारत की तरफ से जहां शार्दुल ठाकुर को चोट लगी है, तो वहीं इंग्लैंड के खेमे से स्टुअर्ट ब्रॉड के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। पहले टेस्ट में 4 विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम के लिए दूसरे टेस्ट से पहले ये बहुत बुरी खबर है। शार्दुल गेंदबाजी के साथ ही निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी करने के काबिल भी थे और भारत के लिए उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होगा। टीम इंडिया के पास शार्दुल को रिप्लेस करने के लिए तेज गेंदबाजी में उमेश यादव और ईशांत शर्मा का ऑप्शन है, मगर इनसे बल्लेबाजी में उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करने में सक्षम अश्विन का ऑप्शन भी भारत के पास है। हालांकि सीरीज की शुरुआत में ही कोहली ने बता दिया था कि वो इस पूरी सीरीज में 4+1 की बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। इस हिसाब से अश्विन का खेलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इंग्लैंड की बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे मैच में अगर नहीं खेल पाते हैं तो इंग्लिश टीम के पास उनको रिप्लेस करने के लिए काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। हालांकि ब्रॉड की जगह मार्क वुड को टीम में शामिल करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं।